हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं सारी जो भी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की, वो सब। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब अगर ये सब आपकी प्रॉपर्टी पहले से दिमाग में होगी तो आपको बार बार ना कुछ जो आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे उनमें इनको बार बार आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ये प्रॉपर्टी लगा के आप सीधे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना काफ़ी अच्छी, काफ़ी सही है आपके लिए। तो पहला है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, अगर ये हमने ये डायगोनल बनाया तो ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, देखो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है और ये कॉमन साइड। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में एस 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 से ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो इसका ये प्रूफ भी हो गया। अब दूसरी, ये तो हो गया हमारा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये तो हमें पता ही है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी हो गया। अब तीसरा है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसे, अगर जैसे पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ए और सी अपोजिट होंगे और बी और डी अपोजिट होंगे, तो ये इसके बराबर होता है बोल रहा है और ये इसके बराबर। कैसे होता है, देखो ये इसके पैरेलल है तो ए प्लस बी क्या होगा, 180 होगा। वैसे ये इसके पैरेलल है तो डी प्लस सी कितना होगा, 180। तो ये दोनों 180 के बराबर है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, डी कट जाएगा तो एंगल इक्वल टू सी आ गया। वैसे ये आपका एंगल बी इक्वल टू डी भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इसको हर क्वेश्चन में प्रूव तो कर सकते हो ना कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मगर अगर आपको डायरेक्टली याद है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो आपको बार बार प्रूव नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे जाके, बिना इसको बार बार से प्रूव नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद ही रख लो तो अच्छा है। फोर्थ है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बोला कि जिसकी ये पैरेललोग्राम है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल। ठीक है, ये ए बी सी डी ये ओ, तो बोला है कि ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, तो इसको देखते प्रूव कर लेते हैं कि देखो इन ट्रायंगल डीओसी एंड ट्रायंगल डीओसी में एंड बीओए में ठीक है, ये इसके बराबर होता है डीसी इक्वल टू एबी, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होता है और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये हमारे अल्टरनेट एंगल, वैसे ही ये हमारा एक वो बन रहा है, जेड बन रहा है, जी एंगल इसके बराबर। तो क्या हो गए, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ये इसका ये साइड ये इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर, तो हमने प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब फिफ्थ है, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंजुगेटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, बोल रहे कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू, कोई भी दो कंजुगेटिव मतलब एक के बाद एक जो एंगल होंगे, जैसे कि ए और बी, ठीक है, इनके जो बाइसेक्टर होंगे ये और ये जो करेंगे, ये कर रहा है कि इंटरसेक्ट करते हैं ये, वो मान लो ये बोला कि ये 90 डिग्री होता है। कैसे, देखो ये इसके पैरेलल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 होगा और हो जाएगा ना, पर अगर हम हाफ ऑफ एंगल ए करेंगे प्लस हाफ ऑफ एंगल बी करेंगे कितना हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। तो ये हमारी एंगल बाइसेक्टरी थे, तो इसका हाफ मतलब ये एंगल अब दिस इक्वल टू 90 है और पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180, तो 180 से मैंने 90 कर देंगे कितना आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी दो कंजुगेटिव एंगल होते हैं उनके अगर वो बाइसेक्टर हम बनाएंगे तो वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया। सिक्स्थ है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इट ऑल्सो बाइसेक्ट द सेकेंड एंगल। ये बोला है कि ऐसा, देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए वन एंगल, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ये बोला कि अगर ये बाइसेक्टर ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है, हमें प्रूव करना है कि एंगल थ्री भी एंगल कि ये बाइसेक्टर इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखो
ये इसके पैलर है, तो ये एंगल ये वो बने ना दोबारा वो जेड बन रहा है, एंगल थ्री क्या होगा एंगल टू के बराबर हो जाएगा, ठीक है एंगल थ्री इक्वल टू एंगल टू। वैसे ही इसमें एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर, पर वन इक्वल टू टू हमें दिया है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, मतलब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ठीक है मतलब ये इसके बराबर हो गया। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक वो एक अगर डायगोनल जो है जो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरे एंगल को भी पक्का बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारा सिक्स्थ भी हो गया। अब लास्ट है द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी आपको इसको ध्यान में रखना, ये आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे इसका बनाना है बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, तो ये बनना है, ठीक है। ये पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ये सब हमारे ये और ये और ये हमारे क्या है एंगल बाइसेक्टर है। हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या है रेक्टेंगल है। ऐसे होगा देखो दिस पर दिस क्या होगा 180, तो एंगल पी प्लस एंगल एस क्या होगा 180, और फिर अगर हम उसका हाफ करेंगे तो एंगल पी हाफ प्लस हाफ ऑफ एंगल एस इक्वल टू होगा 90 हो जाएगा। इसका हाफ क्या है ये वाला एंगल है और इसका हाफ है ये वाला एंगल, तो हाफ ऑफ एंगल पी ले लिख देंगे हम डी पी एस एंगल डी पी एस प्लस और हाफ ऑफ एस में एंगल पी एच डी एंगल पी एस डी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो अगेन ये एक ट्राइंगल है, इसका टोटल सम कितना होता है 180 होता है, इन दोनों का सम 90, तो इस ये बाकी जो बचा हुआ ये भी क्या होगा हमारा 90 होगा। अब ये 90 हो गया तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी हमारा क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो सब एंगल 90 है। तो किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर सब एंगल 90 होते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगल होता है। ये हो गया। तो ये जैसे प्रॉपर्टी बहुत ध्यान में रखना, ये बोलती है कि अगर जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं सब एंगल के वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल